लगे उसको यावर अहमक। अबू तालिब ने अबू लहब को डांटा है उसको यावर अहमक खामोश हो जाओ अहमक खामोश हो जाओ। माला था वहां अपनी हैसियत को पहचान मेरे भतीजे की शान को देख। तीसरे या चौथे दिन अबू तालिब ने डांटा है वो घबरा के बैठ गया ठीक। अब वो मजमा जो रोजाना खाना खा के जा रहा था कहने लगे वल्लाह ला यकुमन्न मिनकुम अहद हत्ता यतकल्लम इब्न अखी मोहम्मद वल्लाह खुदा की कसम वल्लाह अल्लाह की कसम अपनी जगह से उठोगे नहीं जब तक मेरा भतीजा मोहम्मद तुमसे बात न कर ले। वल्लाह अल्लाह की कसम अगर मुशरिक था तो किस अल्लाह की कसम खा रहा था। खबरदार रोजाना खा के जा रहे हो अब कोई उठेगा नहीं इस मकाम से खबरदार कोई नहीं उठेगा। लहजा देखा तुमने अबू लहब को डांट के बिठा दिया मजमे को डांट के रोका और अब मुड़े मेरे नबी की तरफ कहने लगे कुरुया सैयदी व मौलाई ऐ मेरे सैयद सरदार ऐ मेरे आका मौला आप उठ के खड़े हो जाए वह तकल्लम बे मा तुहिब्बु व तरज़ा और जो आपके दिल में है वो इनके सामने बयान करें वह बल्लिग रिसालत रब्बी कभी इनकी तशरीहात फिर अर्ज करूंगा और पहुंचा दें अपने रब की रिसालत को इन लोगों तक। فَإِنَّكَ الصَّادِقُ الْمُصَدِّقُ इसलिए कि भतीजे भतीजे तुम सच्चे हो और मैं तुम्हारा पहला तस्दीक करने वाला रुक जाओ भाई अब तक तो तुम वाह-वाह करते रहे अगर आपको कोई बात बुरी लग जाए तो मुझे माफ भी कर देना जरूरी तो नहीं ना घर बात अच्छी लगे। अच्छा तो पहले दिन क्या केस हुआ अबू लहब कामयाब है तुम्हारा नबी नाकामयाब है नऊज़ुबिल्लाह अब समझाने के लिए जुमला कह रहा हूँ पहले दिन हुआ तो यही दूसरे दिन क्या हुआ अबू लहब कामयाब तुम्हारा नबी नाकामयाब नऊज़ुबिल्लाह ठीक है ना। तीसरे दिन या चौथे दिन अब ये इख्तलाफ है इसमें तुम्हारा नबी नाकामयाब अबू लहब कामयाब और आखिरी दिन अबू लहब क़यामत तक के लिए नाकामयाब तुम्हारा नबी क़यामत तक के लिए यहां तक आ गए मेरे साथ बस तकरीर अपने आखिरी मरहलों में दाखिल होने वाली है फिर सुनना। अच्छा अबू लहब कामयाब किसके मुकाबले पर मोहम्मद रसूलुल्लाह मजाल है हैसियत क्या अबू लहब की तो भैया बात यह है कि अबू लहब तो एक यानी जरिया था एक जरिया था बोल रहा था इब्लीस अब जुमला और सख्त हो जाएगा जुमला और सख्त होगा अबू लहब की जबान से इब्लीस बोल रहा था अब अगर जुमला कहूं तो तुम्हें बहुत बुरा लग जाएगा लेकिन जुमला तो है कि पहले दिन इब्लीस कामयाब अब आगे नहीं कहूंगा दूसरे दिन इब्लीस कामयाब तीसरे दिन इब्लीस कामयाब चौथे दिन इब्लीस क़यामत तक के लिए नाकामयाब तुम्हारा नबी क़यामत तक के लिए ये तो है ना इसमें तो कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है। अब मैं एक जुमला पूछना चाह रहा हूं कि ये बताओ कि इब्लीस के हमले को नाकामयाब किसने बनाया इब्लीस के हमले को नाकामयाब किसने बनाया अबू तालिब ने। तो अब अगर इब्लीस नाराज होकर अबू तालिब को काफिर कहता रहे तो तुम्हें इतराज क्यों है बस मेरे अजीजों मेरे दोस्तों अब इससे ज्यादा सहमत समात नहीं है। मैं तो सिर्फ मुस्तफीज़ हूँ जनाब 5:06 हैं और इंशाल्लाह 6 दकीकों में गुफ्तगू तमाम होगी। खुदा आपने अपने अली करबला में जब आए हैं तो उनके पास 2 विरासतें थी। इस जुमले का मतलब क्या है एक हुसैन के पास इमामत थी और एक हुसैन के जिस्म में खून था ऐसा है या नहीं भाई तवज्जो रहे। हुसैन के पास करबला में 2 विरासतें हैं एक इमामत एक खून इमामत मीरास रसूल खून मीरास अबू तालिब खून मीरास अबू तालिब। और अब इस जुमले के वतन को महसूस करना हुसैन ने जो जंग जीती है करबला की वो इमामत से नहीं जीती खून से जीती है। ये जुमले मेरे बहुत छोटे हैं लेकिन इन्हें कभी याद रखना।
तो यहाँ तक तो हम आ गए, करबला की जंग हुसैन ने जीत ली, ठीक है ना। मैं एक जुमला फिर कह के आ रहा हूँ और मेरा जी चाहता है कि जुमला तुम्हारी खिदमत में पेश करूँ और तुमसे इजाजत है वो फिर तफसील बसाया हमारे दोस्त पढ़ेंगे, बस जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। देखो अबुल फजल अब्बास बहुत बड़ा किरदार है करबला का, अलमदार है लश्कर हुसैन, लेकिन मेरा जुमला याद रखोगे, अरबाब मकातिल ने बहस की है और वहीं से लेके मैं जुमला सुना रहा हूँ। अगर फर्ज करो थोड़ी देर के लिए कि अब्बास न होते करबला में, फिर भी करबला तो होती, करबला रोक नहीं सकती थी। अच्छा थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लो अब्बास की जगह जनाब अली अकबर को, कि अगर अली अकबर करबला में न होते फिर भी करबला होती, एक एक को गिनते जाओ करबला होती। सबसे बड़ी शहादत करबला की अली असगर की शहादत, अगर शशमाह करबला में न होता फिर भी करबला होती, लेकिन अगर जैनब करबला में न होती करबला नहीं हो सकती थी। इसलिए कि करबला को जाना था शाम के दरबार तक। बस मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई, लेकिन मेरा जी चाहता है कि तुमसे एक जुमला कहता जाऊं, कभी फिर बयान करूं मैं शहजादी के सिलसिले में। हुसैन के बाद विरासतें तकसीम हो गई, काफिले की कयादत शहजादी के हिस्से में आई, इमामत सज्जाद के पास गई। भाई यही तो हुआ, और सज्जाद के जुमले क्या हो जाओगे कि जब सज्जाद परेशान होते थे तो मशवरा करते थे अपनी पत्नी से, जहमत तमाम हो गई। आराम से दो जुमले सुन लो, अब मैं फकत इसलिए पढ़ रहा हूं कि मेरा शुमार भी मसाए पढ़ने वालों में हो जाए। बीवी को मसाए बहुत पसंद है, वरना मजलिस तो हो गई और किबला पढ़ेंगे मेरी बात, ठीक है ना। लेकिन ये जुमला सुन लो, यकुन सफर को सबने लिखा है, सफर की पहली तारीख को दरबार शाम में दाखिला है अहले हरम का, सारे कैदी घबराए हुए थे, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, और मैं वही मसायब पढ़ने का आदि हूं जो किताबों में मौजूद है, ठीक। सारे कैदी अहले हरम घबराए हुए थे। अब अली की बड़ी बेटी को समझोगे, एक मरतबा सज्जाद के चेहरे को देखा, कहा सज्जाद घबराना मत, अली की बड़ी बेटी तेरे साथ है। अब समझ में आई है बीबी, या सुनो आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो, बस ये जो दो तीन जुमले सुन लो, उम्मे कुलसुम मत घबराओ, उम्मे फरवा मत घबराओ, रुकैया मत घबराओ, सकीना मत घबराओ, तुम्हारी फूफी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है, ठीक है ना। तो बीवी शहजादी जैनब तसल्लियां देती हुई कैदियों को ले गई। बुजुर्गों ने लिखा कि सात दरवाजे थे यजीद के दरबार तक, पहला दरवाजा गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, बीबी तसल्लियां देती रही। जब सातवां दरवाजा आया और उस दरवाजे के बाद था दरबार, तो बीबी या अली कह के जमीन पर बैठ गई। यह है आखिरी जुमला, सज्जाद आए, फूफी अम्मा आप घबरा गई, कहा नहीं बेटे घबरा ही नहीं, कहा फूफी अम्मा फिर आपके बैठने का सबब क्या है, बस ये सबब सुन लो और मुझे इजाजत दे दो। कहा बेटे बताओ कि मैं क्यों बैठ गई, कहा फूफी अम्मा बता दे, कहा 21 रमजान की सुबह को जब मेरा बाबा दुनिया से जा रहा था तो मेरे बाबा ने मुझे अपने करीब बुलाया और अपना जख्मी सर मेरे कंधे पर रखा और मेरा बाबा मुझसे कहने लगा, जैनब तुझे एक दिन दरबार में जाना होगा, मत घबराना, मैं तेरे साथ चलूंगा। तो मैं घबरा ही नहीं, मैं तो अपने बाबा का इंतजार कर रही हूँ। ये कह के बीबी खड़ी हुई, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, कैदियों मेरा बाबा आ गया, अब मेरे साथ दरबार में जा। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم।